और समय की बड़ी खबर, एयर इंडिया का विमान खड़ा हुआ था और खड़े विमान में आग लग गई। एयरपोर्ट पर खड़े विमान में अचानक आग लग गई। राहत की बात यह रही कि एयरपोर्ट कर्मचारियों ने, दमकल ने फौरन आग पर काबू पाया। बड़ा हादसा होने से बच गया। एयरपोर्ट पर खड़ा था विमान, अचानक आग लग गई। राकेश सोनी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। राकेश, पूरी घटना बताएं जरा। पूजा, ये पूरी घटना जो है ये रात की है, जब ये एयर इंडिया का जो विमान था इसको मेंटेनेंस डिपार्टमेंट जो एयरपोर्ट पर था उसमें इसका मेंटेनेंस का काम चल रहा था, तभी इसमें अचानक आग लग जाती है। लेकिन राहत की बात यही रही कि इसके फ्लाइट के अंदर कोई नहीं था, तो एक हादसा बड़ा होते होते चला है। लेकिन कहीं ना कहीं लापरवाही भी देखने को यहाँ पर मिली है, क्योंकि जिस तरीके से जब मेंटेनेंस का काम चल रहा था तब जिस तरीके से, क्योंकि एसी को ठीक करने का काम चल रहा था, जिस तरीके से एयर इंडिया के अधिकारियों ने बताया कि एसी ठीक किया जा रहा था, तो मेंटेनेंस का जो एरिया था उस एरिया में इस विमान को वहां खड़ा किया गया था और वहां पर अचानक इंजन स्टार्ट होता है, उसके बाद जो है आग लग जाती है। लेकिन फायर ब्रिगेड की जब तक गाड़ियां पहुंचती हैं तब तक जो एयर इंडिया का जो विमान है वो आधा जो है जिस तरीके से जो पिछला हिस्सा पूरी तरीके से जलकर खाक हो जाता है। लेकिन राहत की बात है ये कि पूरे हादसे में कोई भी हताहत नहीं हुआ, लेकिन एक बड़ा हादसा एयरपोर्ट पर फिर से देखने को मिला, जहां पर मेंटेनेंस करी जा रही थी। एयर इंडिया का जो विमान है बोइंग विमान है, इसकी मेंटेनेंस चल रही थी और उसी दौरान ये हादसा होता, और उस तरीके से एयर इंडिया ने इसकी जानकारी भी दी है कि जो एसी है उसको ठीक किया जाता है, उसी दौरान आग लगती है। ये कितने बजे की घटना है राकेश? ये मुझे रात तकरीबन 2 से 3 बजे के करीब, जिस तरीके से क्योंकि एयर इंडिया के विमान के अंदर कोई एसी को लेकर कुछ प्रॉब्लम लेकर ये मेंटेनेंस का काम चल रहा था, उसी दौरान अचानक जो इंजन होता उसमें आग लगती है, और उसके बाद जिस तरीके से जब तक एयरपोर्ट पर जो फायर की गाड़ियां होती है तब तक जो है अंदर का जो आधा हिस्सा है वो पूरी तरीके से एयर इंडिया का जो विमान था वो जलकर खाक हो जाता है। लेकिन वही है कि इसमें कहीं ना कहीं सूझबूझ का परिचय दिया गया, जो आसपास में और जो विमान थे उनको तुरंत आनन फानन में वहां से हटाया गया और इस पर भी काबू पाया गया। उसके बाद यानी कि जो है एयर इंडिया ने इसकी सूचना दी है कि तरीके से एक लापरवाही कहीं ना कहीं जरूर देखने को मिली थी इसमें, क्योंकि इंजन अचानक स्टार्ट किया था उसकी वजह से आग लगी थी। शुक्रिया इस खबर पर जानकारी देने के लिए।